तो छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जबलपुर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, 7 लाख रुपए घूस ले रहे थे। उसी दौरान फौरन छापामार कार्रवाई करते हुए उनको धर दबोचा है। टैक्स चोरी मामले में रिश्वत मांगी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी जबलपुर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ी। डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी। टैक्स चोरी मामले में रिश्वत मांग रहे थे, 1 करोड़ की रिश्वत दी जानी थी और जैसे ही 7 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर उन्हें दिए जा रहे थे, फौरन सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और छापामार कार्रवाई की। ये भी आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले, जिनको लेकर हो सकता है कि पहले भी शिकायतें मिल रही हो, फौरन यहां पर जानकारी मिली तो सीबीआई की टीम भी पहुंची और रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बताया कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ा, कमरों कर लेते हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खुलासे अभी तक? जी अवंतिका, ये पूरा मामला 19 मई से जुड़ा हुआ है। 19 मई को सेंट्रल जीएसटी कपिल कांबले के साथ में टीम पहुंची थी दमोह के नोहटा, जहां पर त्रिलोक चंद सेन की पान मसाला की फैक्ट्री है और वहां पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की थी, जहां पर टैक्स चोरी करने की शिकायत हुई थी कि जीएसटी चोरी किया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 1 करोड़ रुपये की उनसे रिश्वत मांगी गई थी और 45 लाख रुपये में डील तय हो गई थी, जिसके बदले में अभी तक 35 लाख रुपए वो दे चुके हैं, लेकिन 7 लाख रुपए और बाकी था जिसकी किश्त देने आए थे। हालांकि पीड़ित का यह भी आरोप है कि महज 10 लाख रुपए की टैक्स जो है जीएसटी बकाया था उनके ऊपर, जो उन्होंने जमा भी कर दिया। उसके बावजूद कपिल कांबले द्वारा चूंकि रिश्वत के पैसे बाकी थे, इसीलिए उन्होंने अभी तक उनकी फैक्ट्री जो सीज की थी उसको खोला नहीं, और यही वजह है कि पीड़ित जो है त्रिलोकचंद सेन वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने सीबीआई में शिकायत कर दी, जिसके बाद सीपीआई ने आज 7 लाख रुपए की बिल्कुल बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 1 करोड़ की रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बहरहाल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। सीधे बात करेंगे कवर्धा जिले की। अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, यात्री बस जिसमें सवार 20 के करीब यात्री जो कि घायल अवस्था में फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पोड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे पर यह पूरा हादसा, कवर्धा से लखनऊ की ओर यह बस जा रही थी। फौरन अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आसपास ग्रामीण जितने भी मौजूद थे, स्थानीय लोग जितने भी मौजूद थे, सभी फौरन मौके पर पहुंचते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं और उसके बाद ये जानकारी कि एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी आप देखिए, अनियमितताओं का भी सामने खुलासा आया है, लेकिन अभी तक जांच का विषय है कि किस वजह से ये पूरी बस अनियंत्रित होकर इस तरह से पलटी है। ये भी बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन नेशनल हाईवे है और इस वजह से शायद अनियमितता की खबर। कोंडा गांव की चर्चा करेंगे, जहां 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। मकड़ा के साप्ताहिक बाजार में बुजुर्ग के साथ उठाई गिरी हुई है, जिसमें पुलिस ने ओडिशा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से बाइक और चोरी की रकम बरामद की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और कोंडागांव शहर के बीच से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे, जहां पर एक डिवाइडर बना हुआ है और हादसे को दावत दे रहा है डिवाइडर। हादसे के कारण यहां पर तमाम लोग भी काफी परेशान है। हाईवे के बीच में ये डिवाइडर बना हुआ है जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। लोहे का डिवाइडर लगाया गया है जो कि जगह जगह से टूटकर सड़कों पर आ गिरा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। इस रोड से होकर आए दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी नजर डिवाइडर की हालत पर नहीं पड़ती। इस डिवाइडर को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़े हादसे को ये न्योता दे सकता है। पाइपलाइन क्या जाने वाली नेशनल हाईवे 30 है, जिस पर रोड डिवाइडर लगाया गया है ताकि लोग सुरक्षित सफर कर सकें। और आप ये देख सकते हैं कि रोड डिवाइडर की हालत क्या है, जो सुरक्षा के लिए लगाया गया है वही घातक साबित हो रहा है। कई महीनों से
एक गाड़ी के टकराने से रोड डिवाइडर मुड़ गई है और सड़क पर आ गई है और इसे चिपक कर कई गाड़ियां चलती हैं और वहीं इस सड़क मार्ग से अक्सर अधिकारी भी गुजरते हैं, पर सारे के सारे इस टूटे हुए रोड डिवाइडर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि वो किसी गंभीर हादसा होने के इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद रोड डिवाइडर को ठीक किया जा सके। बहरहाल देखना होगा कि हादसा पहले होता है या रोड डिवाइडर पहले सुधरती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां सुसाइड करने के लिए युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी की शादी करने से युवती नाराज थी। युवती का प्रेमी पुलिस का जवान है, अस्पताल चौकी में पदस्थ है। कोतवाली के जनपद पारा में सुसाइड करने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, छप्पर तोड़कर घर के अंदर पहुंची, युवती के ड्रामे को खत्म कराया गया। युवती ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को शांत कराया। सूरजपुर के भवरखो पंचायत के दो दर्जन से ज्यादा पंडो जनजाति का परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गर्मी के दिनों में यहां के निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप में गंदा पानी निकल रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण डबरी नाले का पानी पीने को मजबूर है। पानी भी इन्हें भीषण गर्मी के बीच 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। पंडो जनजाति के लोग पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। भैया थान एसडीएम का कहना है कि दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत है, जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो प्रदेश में मानसून के पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। आपको बताएं कि पहले छत्तीसगढ़ में मानसून के 16 जून तक आने की संभावना थी, लेकिन केरल में मानसून एक सप्ताह लेट पहुंचा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी मानसून के एक सप्ताह लेट पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में 23 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इससे पहले भी प्री मानसून बारिश हो सकती है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र चावल ले या ना ले हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे, झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही बीजेपी। अंबिकापुर से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 120 लोगों को दिया अधिकार पट्टा, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष शरण साव का बड़ा बयान, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण, धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और अन्य समाज में आक्रोश। धर्मांतरण पर अरुण साव के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पलटवार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ में दिखता है धर्मांतरण। बीजेपी ने शुरू की टिफिन पॉलिटिक्स, लंच लेकर कार्यकर्ताओं के पास जा रहे नेता, बीजेपी के टिफिन पर सीएम बघेल ने साधा निशाना, कहा कार्यकर्ताओं की अनदेखी सीआईए सीमा पर। दो दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, कहा बीजेपी से डरकर कांग्रेस कर रही संभागीय सम्मेलन। राजभवन पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीजीपीएससी 2021 की भर्ती परीक्षा में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, राज्यपाल से मिलकर रिजल्ट की सीबीआई से जांच कराने की मांग। राजनांदगांव दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक, ओम माथुर के साथ अरुण साव और रमन सिंह। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, चिरमिरी नगर निगम का घेराव, महापौर निगम प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कवर्धा में अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी, हादसे में 20 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर, कवर्धा से लखनऊ जा रही थी बस। धमतरी में पटवारियों की हड़ताल जारी, एक महीने से चल रही है हड़ताल, राजस्व निरीक्षकों का भी समर्थन। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तहसीलदार ने कब्जाधारियों को जारी किया नोटिस, नोटिस मिलते ही पुल के नीचे से हटाया जा रहा अतिक्रमण। चुनावी साल में धान पर सियासी घमासान, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धान खरीदी पर बीजेपी बोल रही है झूठ। पूर्वा में फ्रिज में निकला सांप, सांप को देखकर घर वालों के उड़े होश, सूचना पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम। रायपुर में निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास मिली युवक की लाश, मृतक युवक के शरीर पर कई चोट के निशान, राजकीय थाना क्षेत्र का मामला। धमतरी में व्यापारियों के सोने दुकान में चोरी, लाखों की जेवर नगदी ले उड़े चोर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी पुलिस।
मुंगेली में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, पुलियाम मनियारी नदी से रेत का अवैध खनन, रेत के खुले खेल पर खनिज विभाग मौत। कोंडागांव में 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, ओडिशा से पकड़े गए 2 आरोपी, आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल और चोरी की रकम बरामद। लंबा हुआ मानसून का इंतजार, सूबे में 1 सप्ताह देरी से पहुंचेगा मानसून, 23 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। बुलेटिन में इतना।